और मार्केट ऑर्डर का मतलब यह है कि आपने जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसी के ऊपर बाय करना है। डिपॉजिट करने के बाद आपके पास यूएसडीटी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। दुनिया में नंबर वन क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज है। अगर आप यूज करना चाहते हैं, आई वुड रिकमेंड गो फॉर इट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं क्रिप्टो में, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाकर इन्वेस्ट करूँ, कैसे इन्वेस्ट करूँ, तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल साबित होने वाली है। बिल्कुल सिर्फ 3 स्टेप्स में बताऊँगा कि कैसे कौन सी एक्सचेंज के ऊपर कैसे ट्रेडिंग करनी है। तो दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपके पास पहले स्टेप में आपको बता रहा हूँ कौन सी एक्सचेंज सेलेक्ट करनी है। नंबर वन के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है कि एक्सचेंज बाइनांस या BYDFI। पाकिस्तान में दो ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। जी हाँ, अगर आप सेफली इजीली ट्रेडिंग करना चाहते हैं क्रिप्टो में, बाइनांस और BYDFI। अगर आप इंडिया से हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। नंबर टू, पहले आपको दो की बताऊँगा जिनमें पेमेंट्स करना ईजी है। नंबर वन पे है WZIRX और नंबर टू के ऊपर है हमारे पास CoinDEX। तो ये दो ऐसी एक्सचेंजेस हैं जिनके ऊपर आप इजीली पेमेंट्स जो है डिपॉजिट कर सकते हैं और क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हैं और आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आप इंटरनेशनल यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास बाइनांस का ऑप्शन और ट्रांजैक्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। उनके ऊपर UPI पेमेंट सपोर्ट कर रही है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। तो नंबर वन पे पहला स्टेप तो ये क्लियर हो गया कि आप लोगों ने अपनी एक्सचेंज सेलेक्ट कर ली, कौन सी एक्सचेंज के ऊपर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। नंबर टू के ऊपर आपने क्या करना है, सिंपली जाना है और अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे ही आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, नंबर तीन के ऊपर हमारा स्टेप आ जाएगा, ट्रेडिंग शुरू कर देनी है। अब आपको मैं कुछ इन सारी जो है एक्सचेंजेस की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैं आपको इनकी पिक्चर भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखें, पाकिस्तान के लिए BYDFI.com, उसके साथ बाइनांस, ये दो ऑप्शन अवेलेबल हैं पाकिस्तान के लिए। अगर आप इंडिया से हैं, आपके पास WZIRX अवेलेबल है और आपके पास CoinDEX अवेलेबल है। दोस्तों ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। इंडिया से अगर हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, CoinDEX या WZIRX.com के ऊपर आप चले जाएं और जाके इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं ट्रांजैक्ट इंटरनेशनल, इसके ऊपर भी UPI पेमेंट सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के लिए, और बाइनांस के ऊपर भी UPI पेमेंट सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तो कॉमन हो गई जो पाकिस्तान और इंडिया में दोनों में इस्तेमाल हो सकती है, वो है बाइनांस। बाइनांस इस टाइम दुनिया में नंबर वन क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, आई वुड रिकमेंड गो फॉर इट। अब स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो हमारा स्टेप था वो था अकाउंट रजिस्टर करना। तो रजिस्टर करना बिल्कुल इजी है, किसी भी उसके ऊपर जाएंगे, एक्सचेंज के ऊपर जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन दिया होगा साइन अप या लॉगिन। जैसे यहाँ पे जा सकते हैं लॉगिन, गेट स्टार्टेड। बाइनांस के ऊपर जाएं, रजिस्टर्ड लॉगिन, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे भी जाएंगे गेट स्टार्टेड या साइन इन। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने रजिस्टर का बटन क्लिक करना है या गेट स्टार्टेड का बटन सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपसे मांगेगा ईमेल और पासवर्ड। ईमेल अपना क्रिएट कर लें, ईमेल के बाद याद रखें किसी और के नाम के ऊपर आपने अकाउंट नहीं बनाना, क्योंकि फ्यूचर में अगर दोबारा वेरिफिकेशन आ गई, आपके पास डिटेल ना हुई तो आपके पैसे फंस जाएंगे। अपने ही नाम के ऊपर बनाएं अकाउंट, किसी और के नाम के ऊपर अकाउंट मत बनाएं। तो अपने नाम के ऊपर आपने ईमेल डाला और उसको वेरीफाई करवा लिया। जैसे ही आपने साइन अप कर लिया, साइन अप विद ईमेल, ओके, नहीं नीड आइडेंटिटी अकाउंट अगर आप बिजनेस हैं वगैरह वगैरह, साइन अप विद ईमेल और फॉर्म। तो आपने ईमेल डाला, उसके बाद वेरीफाई किया। जब आपका अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद ये आपसे पूछेगा डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स कौन से पूछेगा आपसे, आपकी ID पूछ सकता है और आपकी फ़ोटो पूछ सकता है, क्योंकि ये नो योर कस्टमर के जो रूल के अकॉर्डिंग इनको रिक्वायर्ड होती है। तो आपको उन्हें घबराना नहीं है, अपनी ID, अपना फेशियल, अपनी खूबसूरत सी पिक्चर आप लोगों ने अपने फेस की पिक्चर वेरीफाई करवा लेनी है, वरी नहीं करना। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद नंबर तीन के ऊपर आ जाता है, आपने कॉइन सेलेक्ट करना है और ट्रेडिंग शुरू कर देनी है। कॉइन कैसे सेलेक्ट करना है, कहाँ से ट्रेडिंग करनी है, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि बाइनांस दोनों में कॉमन है, इसलिए मैं बाइनांस को लॉगिन कर लेता हूँ जस्ट आपको डेमो पर्पस के लिए। तो दोस्तों ऐसे कि हमने लॉगिन कर लिया, जब अकाउंट बन गया, वेरीफाई हो गया, लॉगिन करने के बाद हमारे पास ऐसे डैशबोर्ड खुल जाएगा। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना कि आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो यही तो बात है, फ्री कुछ नहीं मिलेगा। एक्सचेंज सेलेक्ट हो गई नंबर वन के ऊपर, नंबर टू के ऊपर अकाउंट बन गया, नंबर तीन के ऊपर अब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। 3 स्टेप बिल्कुल सिंपल। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आके बाय क्रिप्टो कर लेनी है। बाय क्रिप्टो कर लेनी है या डिपॉजिट करनी है? डिपॉजिट करनी है तो सीधी यहाँ से कर सकते हैं, बाय भी यहाँ से कर सकते हैं। तो डिपॉजिट आपने क्या करनी है, अगर आपके पास किसी नॉन कस्टोडियल वॉलेट में अवेलेबल है, आपके पास मेटामास्क में अवेलेबल है या आपके पास CoinDesk में अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट करने के बाद आपके पास यहाँ पे USDT शो हो जाएंगे, USDT यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। पाकिस्तान में मैंने आपको बताया इंडिया में मैंने आपको बताया UPI पेमेंट्स अवेलेबल है, सपोर्ट कर रहा है। और पाकिस्तान में आप P2P इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरी एक और वीडियो है जिसमें P2P के बारे में मैंने मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों जब आपने इसमें अपनी क्रिप्टो लोड कर ली, अपनी पेमेंट लोड कर ली USDT में, आपने बाय क्या करना, USDT बोलना नहीं है, USDT बाय करना है आपने। उसके बाद आप जाएं ट्रेड में, ट्रेड के ऊपर क्लिक करें, स्पॉट एक्सचेंज के ऊपर चले जाएं। स्पॉट के ऊपर, स्पॉट में आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है अपना पेयर।
पेयर आपको पता होगा अगर आप ट्रेडिंग करते रहे हैं, अगर नहीं करते रहे तो मेरी दूसरी वीडियो आ रही है ट्रेडिंग के बारे में, उसमें मैंने ए टू जी बताया, आपको लाइव ट्रेड करके भी दिखाया, तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, आपको वो हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ट्रेड अपना पेयर सेलेक्ट करना है, क्योंकि कोई भी क्रिप्टो करेंसी है वो अगर आप ट्रेडिंग पे जाएंगे तो वो एज ए पेयर काम करेगी, मतलब BTC विद USDT, सोलाना अपोजिट टू द USDT, मतलब USDT के अगेंस्ट बिटकॉइन कितना ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने USDT सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमारे पास पेयर आ गए सारे। जो भी कॉइन आपको अच्छा लगता है या जिसके बारे में आपको नॉलेज है, जिसकी मार्केट एनालिसिस है आपके पास, उसे सेलेक्ट कर ले। मैं सोलाना का शुरू से सपोर्ट रहा हूँ और उसमें बाय भी करता हूँ और मैंने होल्ड भी किया हुआ है, तो उसके ऊपर जाते हैं। तो ये इस तरह से चार्ट खुल जाएंगे दोस्तों। ये दरमियान यहाँ पे आपके पास ऑर्डर बुक आ गई है, यहाँ पे आपके पास अदर जो है ना पेयर्स अवेलेबल है, और दरमियान में आपके पास ये जो है ना ट्रेडिंग व्यू है जिसको आप अक्सर देखते हैं, जो है ना टीवी के ऊपर कोई भी ट्रेड कर रहा होता है, तो ये ग्राफ्स हैं सारे। और यहाँ पे हमारे पास ये है, ये जो है ना बाइंग चार्ट है, मतलब यहाँ पे हमारे पास पैनल है जहाँ से हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, यहाँ पे ट्रांसफर का बटन दबाना होगा और अपनी क्रिप्टो ट्रांसफर करनी होगी। क्रिप्टो कौन सी है, USDT में, डिजिटल डॉलर जो है उसको ट्रांसफर करना होगा यहाँ पे। जैसे आपने ट्रांसफर कर लिया है तो उसकी अमाउंट यहाँ पे अवेलेबल में शो हो जाएगी, ठीक है। जैसे अवेलेबल में शो हो जाए उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप जितनी अमाउंट अवेलेबल है उतने उसके अकॉर्डिंग मल्टीपल में कॉइन्स बाय कर सकते हैं, कोई भी कॉइन आपने इस्तेमाल करना। तो लिमिट का मतलब क्या है कि ये आप यहाँ पे प्राइस लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल सोलाना 90 का होगा, 90 USD का होगा, तब मैंने 100 सोलाना बाय करने हैं, कितने सोलाना बाय करने हैं, ठीक है। और मार्केट ऑर्डर का मतलब ये है कि आपने जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसी के ऊपर बाय करना है। आपके पास जो भी अमाउंट है आप उन मार्केट प्राइस के ऊपर बाय करना चाहते हैं, मार्केट प्राइस के ऊपर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लिमिट का मतलब ये होता है कि अगर आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद आप चाहते हैं स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर जाके मेरा जो है ना वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाए, या मैं प्रॉफिट ले लूँ या मैं लॉस से बच जाऊँ, तो यहाँ पे आप लिमिट सेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्रॉस 5 का क्या मतलब है, क्रॉस 5 का मतलब ये है, घबराने की जरूरत नहीं है, इसकी मेरी कंप्लीट एक सेपरेट वीडियो आ रही है, लेकिन मैं इसमें आपको छोटा सा ओवरव्यू देता जा रहा हूँ। क्रॉस 5 का मतलब ये है कि आप जितनी भी अमाउंट आपके पास अवेलेबल है उसका 5 टाइम आप बोरो कर सकते हैं, उसका 5 टाइम उधार ले सकते हैं एक्सचेंज से। वो उस अगर आपके पास एक 100 है तो आप 500 बोरो कर सकते हैं, तो 600 का ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने पैसा बना लिया तो वही पेमेंट उसको वापस कर सकते हैं। तो एक्सचेंज आपको उधार के लोन के ऊपर जो है ना आपको क्रिप्टो देती है, जिससे जिसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं आवरली। तो दोस्तों जैसे ही आपने यहाँ पे बाइंग सेलिंग की, उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर्स की आपकी हिस्ट्री आ जाएगी, पोजीशन ओपन क्लोज यहाँ पे आ जाएंगी, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारी आपकी ऑर्डर की हिस्ट्री आती जाएगी। तो इसको मजीद रीड करने के लिए, मजीद ट्रेडिंग को एफिशिएंट बनाने के लिए और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बस इसमें जो है ना बाइंग सेलिंग ऊपर इतने ज़्यादा देखा तो बाइंग सेलिंग करनी शुरू कर दी और आप इसमें प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे। आपको इसके ऊपर इसको लर्न करना पड़ेगा प्रॉपरली कि कैसे प्राइस मूव होती है मार्केट में। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल आसान तरीका था कि ट्रेडिंग करने का। अगर आप यहाँ पे बाय करके होल्ड करना चाहते हो तो वो भी आप ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल था। जैसे कि जैसे आपने अकाउंट बना लिया, एक्सचेंज सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने जो है ना अकाउंट बना लिया, अकाउंट बनाने के बाद आपने क्रिप्टो करेंसी यहाँ से बाय कर सकते हैं, बाय क्रिप्टो, कोई भी क्रिप्टो बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं और उसको होल्ड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपने स्पॉट एक्सचेंज के ऊपर जाके उसको इन्वेस्ट करना है या उसको सेल परचेज करना है। अगर सिर्फ होल्ड करना है, स्पेसिफिक प्राइस ऊपर जाके आपने सेल करना है तो वो भी ईजी एबल कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है अमाउंट आपने GBP में, मैं लंदन में हूँ तो मुझे GBP शो होगी, मैं कहता हूँ 100, फॉर एग्जांपल मैंने 100 GBP किया तो मुझे बता रहे इतने BTC आएंगे। यहाँ पे मैंने कॉइन सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूँ ICP, ठीक है, मैंने कॉइन सेलेक्ट किया तो ये मुझे बता देगा इतने कॉइन्स हैं। आप बाय करके अपने वॉलेट में रख सकते हैं, जैसे इनकी प्राइस ऊपर जाए आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप स्पॉट मार्केट में जाके ट्रेडिंग करो। तो सिंपल तरीका तो ये है, आप क्रिप्टो बाय करके होल्ड करें। इसको कहते हैं, एक तो होता है ट्रेडर, एक होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या करता है, वो बाय करके होल्ड करता है, और ट्रेडर क्या होता है, डे टू डे बेसिस के ऊपर ट्रेड करता है। तो दोस्तों ये तो था बिल्कुल सिंपल गाइड, अगर आपको अच्छा लगा, आपको हेल्पफुल लगा तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको इसमें कोई खामी लगी, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे वो भी बताइएगा। और ये वीडियो स्पेसिफिकली हमारे एक भाई के लिए है जिन्होंने हमें कमेंट में पूछा था इंस्टाग्राम के ऊपर कि जो है ना कौन कौन से एक्सचेंज के ऊपर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें बता सकते हैं, इंस्टा के ऊपर बता सकते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना के आपको नाम जो है ना वो मेंशन करके हम वीडियो बनाएंगे। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।